आज पूरी दुनिया एक सवाल पर बहुत चिंतित है और वो ये है कि 2023 में नए साल में क्या फिर से कोविड का लॉकडाउन लगेगा, नए साल में क्या कोरोना की एक नई लहर आएगी। और ये सब चिंताएं इसलिए उठ रही हैं क्योंकि चीन से जो नई रिपोर्ट आ रही है और जो अलग अलग एस्टिमेट्स चीन से आ रहे हैं वो ये कहते हैं कि चीन में कोरोना का एक बहुत बड़ा विस्फोट इस समय हो रहा है और चीन की लगभग 60% आबादी यानी 85 करोड़ लोग आने वाले समय में चीन में कोरोना से संक्रमित होंगे। 2023 में यानी अगले साल अलग अलग जो रिसर्च हो रही है उसके मुताबिक अकेले चीन में 10 से 16 लाख लोग कोरोना से मर जाएंगे। और ये जो नया वेरिएंट आया है कोविड का उसका नाम है ओमिक्रॉन BF.7। इसके बारे में कहा जा रहा है कि बहुत तेजी से फैलता है, ये खतरनाक भी है और चीन में अब स्थितियां बिल्कुल काबू से बाहर है। चीन में इस समय अस्पतालों में कोई जगह नहीं बची है, लोग हजारों की संख्या में हर रोज मर रहे हैं, उनके क्रिमेशन के लिए जगह नहीं बची है और पूरी जो सड़कें हैं सूनी हो गई हैं, दफ्तरों में कोई जा नहीं रहा है। यानी चीन की आज हमें पहली बार ऐसी तस्वीरें मिली हैं जो कि शायद आपने इससे पहले कभी नहीं देखी थी और पूरी दुनिया उन तस्वीरों को देखकर चिंतित है क्योंकि अगर चीन में ये फैलेगा, आपको याद होगा जब शुरुआत में कोविड आया था तो वो वुहान से ही आया था और अब एक बार फिर अगर चीन में इतनी बुरी स्थिति होने वाली है तो लोगों को डर है कि ये चीन से बाहर भी दूसरे देशों में भी ये कोविड का इन्फेक्शन इस बार फैल सकता है। ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है आज देखना और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि भारत इस स्थिति के लिए कितना तैयार है। अगर एक नई लहर आ जाती है, एक नया वेरिएंट आ जाता है तो भारत उसके लिए कितना तैयार है, आप लोग उसके लिए कितना तैयार है, आपको क्या करना चाहिए। और इसके बाद आपने देखा होगा बिहार में नकली जहरीली शराब पीने से बहुत सारे लोग मारे गए थे अभी हाल ही में और हमने बिहार में उन सब जगहों पर जाकर एक तरीके से छापेमारी की है जहां पर ये नकली शराब बन रही थी। अब आप सोचिए आज तक की टीम अगर वहां पर पहुंच सकती है तो फिर बिहार सरकार के लोग क्यों नहीं पहुंच सकते, नीतीश कुमार की पुलिस वहां पर क्यों नहीं पहुंच सकती। बिहार में खुलेआम नकली शराब बन रही है, बिक रही है, लोग उसे खरीद रहे हैं और मर रहे हैं। आज ये सब कुछ पहली बार आप अपने टीवी स्क्रीन पर होते हुए देखेंगे। हम आपको लेकर चलेंगे कि ये शराब कैसे बनती है, कैसे दिखती है। तो मिलते हैं आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में आज तक।